हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिलाष मिश्रा, कंप्यूटर ट्रेनर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड हो रही है वो आपको मिलती रहे। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे स्टॉक आइटम के बारे में। स्टॉक आइटम क्या होता है टैली में? देखो, टैली में स्टॉक आइटम बहुत टॉपिक्स होते हैं, वो चीज होती है जहाँ पे हम उसके माध्यम से अपना बिजनेस या अपना व्यापार करते हैं। जैसे कि मान के चलो, मैं अगर कंप्यूटर लेता हूँ, मैं कंप्यूटर खरीदता हूँ, तो मेरा जो है स्टॉक आइटम में क्या है, वो मेरा कंप्यूटर हो गया। मैं उसे खरीद मतलब परचेस करता हूँ और सेल्स करता हूँ, वो मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉक आइटम हो गया। तो हम जानेंगे कि स्टॉक आइटम को टैली में जो होते हैं तो उन्हें हम कैसे स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं और हम उन पे कैसे मतलब उनके माध्यम से द्वारा हम अपना कैसे व्यापार करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम, सिंपल तरीके से स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो टैली को मैं यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आपको कंपनी क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? इन्वेंट्री इन्फो में जाके क्लिक करेंगे, स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे। स्टॉक आइटम पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरी एक खुल के आ जाएगा एक फॉर्म, स्टॉक आइटम क्रिएशन। तो यहाँ पे क्या है, जो स्टॉक आइटम है जिसमें मैंने रख दिया, मुझे लेना है फोन, मोबाइल, मोबाइल। मोबाइल जो है वो हमारे जो है वो मोबाइल जो है वो फोन के कैटेगरी में आएगा। तो मुझे ये अंडर वाले खोलने के लिए यहाँ पे अल्ट के साथ सी दबाना होगा, तभी मेरी ये ओपन होगी। तो मोबाइल की जो कैटेगरी है वो हमारी मोबाइल ही हो गई, या हम फोन कैटेगरी को कर देते हैं, उसको हम फोन में कर देंगे। ये मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है। अब मुझे यूनिट्स का मतलब मुझे कितने पीस खरीदने हैं, 2 पीस, 4 पीस, 6 पीस, 8 पीस। तो यहाँ पे मुझे अल्ट सी के साथ इससे यूनिट्स को खोलूंगा। तो मैं यहाँ पे पीसीएस का मतलब होता है पीस, पीसीएस का मतलब होता है पीस हमारे पास कितने। तो मैं एंटर इसको एक्सेप्ट करा दूंगा और मुझे एक्सेप्ट यहाँ से। तो मेरा जो सिंपल आइटम था वो मेरा बन के तैयार हो गया। अब मुझे बैक जाने के लिए यस सी से क्लिक करूंगा, यस सी से बैक मेन पेज। अगर मुझे इस आइटम को देखना है तो मैं अल्टर पर जाके इस आइटम को देख सकता हूँ। देखो, ये मैंने फोन का एक आइटम बना रखा है, तो ये मेरे खुल के आ गया। तो मैं यहाँ पे यस सी से बैक मेन पेज पर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल स्टॉक ग्रुप कैसे, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए अगर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो होता है उसको आप सही कर सकते हैं। अगर आपके लेजर में कोई मिस्टेक हो जाए बाई चांस, तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। अल्टर पर जाएंगे, एंटर मारेंगे। जैसे आप अल्टर पर जाकर एंटर करेंगे या फोन की जगह मुझे आपको यहाँ पे मान के चलो मैं किसी और कैटेगरी में भर्ती करना चाहता हूँ, ऐसे कि मान के मेरा फोन है, अगर वो मेरे पास, मैं यहाँ पे कंप्यूटर बनाता तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर की कैटेगरी में कर लेता। जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे एचपी कंप्यूटर बनाता तो वो एचपी कंप्यूटर की जो यूनिट है वो कंप्यूटर हो जाएगी, तो वहां पे मैं ऐसे कर लेता। तो मैं यहाँ पे अल्टर में जाकर अपने जो भी प्रोडक्ट बनाया तो मैं उसको वहां से एडिट भी कर सकता हूँ। तो यस सी से मैं मेन पेज पे चला जाता हूँ। अगर मुझे कोई भी आइटम को डिलीट करना है, जैसे कि मान के चलो मुझे यहाँ पे स्टॉक कोई भी आइटम को डिलीट करना है, ये तो मेरा फोन आ रहा है, फोन अगर मुझे इसी फोन को ही डिलीट करना है तो ये मेरा आ गया। तो मुझे यहाँ पे अल्ट के साथ क्या करना होगा, डी दबानी होगी, एंटर एक्सेप्ट। तो देखो मेरे यहाँ पे अभी क्रिएट का ऑप्शन आ रहा था, अल्टर का ऑप्शन आ रहा था, वो क्रिएट हो गया, खत्म हो चुका है अल्टर का जो ऑप्शन आ रहा था, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट मैंने बना रखा था वो डिलीट कर दिया। तो मैंने आपको सिंपल जो लेजर था वो आपको बनाना ही बता दिया, उसको एडिट करना ही बता दिया कि अल्टर पे एडिट कर सकते हैं, और उसे अगर डिलीट करना है तो अल्टर पे जाके कंट्रोल पे अल्ट के साथ डी दबाने के बाद वो भी डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल स्टॉक आइटम, मल्टीपल स्टॉक आइटम के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था मल्टीपल स्टॉक आइटम वाले वहां पे जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। मल्टीपल स्टॉक आइटम में आपको पता है कि सबसे पहले मुझे ऑल पे क्लिक करना होगा। ऑल पे जाने के बाद मुझे जो भी प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे कि मान के लो मैंने एमआई के फोन ले लिए, एमआई के फोन, तो एमआई के फोन जो है वो हमारे मोबाइल कैटेगरी में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे? मोबाइल में। तो मोबाइल जो है वो हमारे किस में आ जाएंगे? पीस में। तो हमें यहाँ पे पीस में करने होंगे। जैसे हमारे कि हमें क्वांटिटी को कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे मुझे अगर मैं जैसे टीवी ले लूंगा तो टीवी है, तो टीवी जो है वो किसकी कैटेगरी में चली जाएगी? यहाँ पर टीवी की।
तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐसी मैं पीस कर लूंगा, ऐसी मैं सारे जो भी पीस होंगे एंट्रेंट एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर मुझे सिंगल ग्रुप के अगर बनाने होंगे तो आपको पता है कि सिंगल ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगा मैं, क्रिएट के बाद ऑल आइटम की जगह मुझे यहाँ पे क्या सिंगल ग्रुप करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एचपी का लैपटॉप पीस में आएंगे, उसके बाद डेल के, तो ये अपने आप आएगा, देखो डेल यहाँ पे पीस में। उसके बाद मैं यहाँ पे एससीएल के ले लूँ, तो ये भी अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पीस में, तो ये मेरे सिंगल ग्रुप से मिल जाएंगे, तो ये मैं एंटर एंटर एक्सेप्ट करा सकता हूँ। और उसके बाद आपको मैं बता दूँ, उसके बाद हमारी एक कैटेगरी होती है, अगर हमें कैटेगरी बनानी होती है तो उसके भी हम यहाँ पे वो कर सकते हैं। कैटेगरी बनाने के लिए मुझे जो कैटेगरी बनानी होगी, हाउ टू क्रिएट करके कैटेगरी बनानी होगी, तो मैं वहां से भी कैटेगरी कर सकता हूँ। तो कैटेगरी बनाने के लिए आपको बताऊं, मैं यहाँ पे यहाँ फंक्शन की होते हैं, तो यहाँ पे मैं फंक्शन में F11 और F2 दबाता हूँ। F11 के साथ मैं F2 में इन्वेंटरी वाले पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे एक जो ऑप्शन आ रहा होगा उसे मुझे कैटेगरीज वाले ऑप्शन को क्या करना होगा, मुझे यस करना होगा। ये आ रहा है मेंशन स्टॉक कैटेगरी, तो मुझे यहाँ पे यस कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी बना सकता हूँ। तो देखो आपकी जहाँ पे ये है वही, तो यहाँ पे मैं यस से बैक जाके मेन पेज पे चला गया। उसके बाद जब मैं और बैक जाऊंगा तो मेरे यहाँ देखो जब इन्वेंट्री में स्पोक करूंगा तो मैं कैटेगरीज का ऑप्शन आ गया था, ये पहले नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे मुझे कैटेगरी में जाके कोई भी कैटेगरी कर लो, यहाँ पे मुझे 32 इंची LED बनानी है, तो ये प्राइमरी में आएगी, तो इसे एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये होता है, तो इस टाइप से हम ऐसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।